दोस्तों कैसे हैं? आज वापस मैं आपके सामने पीसी जुलूस लेके आया हूँ और ये देखेंगे 16 तारीख की क्लोजिंग 74 रुपये 50 पैसे का हुआ था। अब आगे क्या, मंडे क्या करेगा, ये मंडे कैसा रहेगा पोजीशन, या मंडे ऑनवर्ड्स कैसा पोजीशन रहेगा? तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये आपको हो सकता है, एक समरी बता दूँ आपको कि 70 पे जो रेसिस्टेंस और 56 पे एक बहुत बड़ा इसको सपोर्ट लेवल है इसका, 70 और 56, तो ये दोनों सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ अगर 83 ये किसी भी तरह क्रॉस करता है तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप देखेंगे यहाँ 82.93 मीन्स 83 क्रॉस करता है तो ये फिर से वापस आपको एक बार 100 को टच करने जाएगा। और अगर जब तक ये बिलो 83 तो स्टॉप लॉस आप 82 83 का स्टॉप लॉस से आप नीचे की ओर पोजिशन बने रख सकते हैं। लेकिन नीचे आप बहुत ज़्यादा भी आप एक्सपेक्टेशन मत करना, नीचे अब जो जाएगा वो 70 है और 70 अगर तोड़ता है तो आपको नीचे 66 56 जो भी है वहाँ पे दिखाएगा आपको, एक बार 58 के आसपास जाकर के दिखा सकता है आपको। तो नीचे की ओर मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ऊपर की तरफ पोजिशनल कॉल। हाँ, अगर ट्रेडिंग करना आपको, मतलब कि ट्रेडिंग पर्पस से है तो आप अभी शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। अगर आपको पोजिशनल कॉल है तो बाई कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म आपका विजन है तो। एक बार अगर देखे तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, आप अगर बाय कर रहे हैं तो 55 के स्टॉप लॉस से बाय कर लें कि 55 के नीचे जाएगा तो हम इस पर एग्जिट करेंगे, लेकिन ये जाएगा ही नहीं, 55 तोड़ना नहीं है इसको और इसको 100 क्रॉस करना नहीं है। अभी इतना जल्दी कोई 100 क्रॉस करेगा नहीं है, तो 50 से 100 क्रॉस तो करना है, तो ये दोनों के बीच में झूलता रहेगा, तो एक साइडवेज चल सकता है। अगर नहीं कुछ करेंगे तो और भी अच्छा है, आप अगर इसको एक ट्रेंड पकड़ लेने दीजिए, 100 को ऊपर जाने दीजिए तो देखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अभी साल डेढ़ साल में इसमें कोई बहुत बड़ा कोई बूम या लॉस होने वाला है, जब तक स्पेशली नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में कोई अच्छा पोर्शन नहीं देखने को मिलता है। और आपके लिए एक निगेटिव चीज़ बता देता हूँ, जो इनके प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग परसेंट को रिड्यूस किया है, आप देखेंगे जा करके तो आप देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो यहाँ शो कर रहा है, अगर ये सही है तो आप देखेंगे 57.61% था वो अब 57.59, तो 0.02% से इन्होंने अपने एक्विजिशन को बेचा है। तो प्रमोटर खुद ही बेच रहा है, तो उसके खुद ही उसको बिलीव नहीं है कि ये कब अप लेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने क्या करेगा, और एक बार ये भी चेक कर लीजिए कोई प्रमोटर ने प्लीज तो नहीं रखा है क्या शेयर को, मेरे अंदाज से इसने प्लीज तो शायद नहीं होगा, प्लीज नहीं है। तो आप खुद देखेंगे बलराम का और पदम चंद गुप्ता जी जो हैं अपने शेयर को पोजिशन को घटा रहे हैं, तो जब इन्होंने खुद ही अपने पोजीशन को घटाया तो टाइम बींग तो कोई शॉर्ट न्यूज़ में अभी बढ़ने को तैयार मेरे को नहीं दिखता है कि यहाँ से कोई 100 क्रॉस करके अब जाएगा। लेकिन कोई ट्रेडर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला, पोजिशनल कॉल पे अगर कोई होल्ड करना चाहते हैं आप इसको एक्विजिशन कीजिए, पर 2 से 3 साल के लिए आप इसको स्टे कीजिए, ये आपको एक अच्छा बूम देगा और ये आपको 220-225 तक के टारगेट को भी दिखा सकता है, लेकिन आज नहीं दिखाएगा। आप आज बोलेंगे दिखाने के लिए तो शायद नहीं दिखाएगा, और दिखाता है किसी हाइक और न्यूज के लिए तो वो कम्प्लीटली, जब तक मेरे पास ट्रेडिंग पोजीशन पे इसका अच्छा पोजीशन बाइंग नहीं चालू होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। अभी भी इसमें 5-6% की डिलीवरी दिखा रहा है, अब डिलीवरी परसेंटेज देख दीजिए कि 5-6%, तो अभी भी इसमें कोई डिलीवरी परसेंटेज में कोई सुधार होने को नहीं है। तो केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ से अगर किसी ने, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको 90 का पुट 10 रुपीज़ पे बोला था और ये मेरे आपके वीडियो पे दिया हुआ, आप जाकर के ये 16 तारीख के वीडियो को देखें, इसका हेडिंग था टारगेट सपोर्ट रेसिस्टेंस आपके वादे के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे 90 का पुट देखिए, मैं कैलकुलेट करके आपको रखा था कि 15,000 था। अगर 90 का पुट आज मैं देखने के लिए जाऊँ तो आज के डेट में क्या है, अगर यही 90 का पुट जो है आप यहाँ पे देखेंगे, आज आपको इसको यहाँ पे 19 रुपये की आज प्राइस से बिड प्राइस से 18:30 में क्लोज हुआ है। और अगर मैं इसको देखने जाऊँ तो ये कहाँ तक गया था, तो आप देखेंगे कि 21 का हाई बनाया था, ये 21 का हाई बनाया था, तो कोई किसी ने अगर पोजीशन बनाई होगी, ये देखिए 21.95 का हाई बनाया था और 15.55 का लो बनाया था, तो अगर उस दिन भी किसी ने इसको 15-55 पे भी बाई किया होगा तो पुट में अच्छा खासा आपको गेन देखने को मिला होगा। और अभी स्टिल ये 70 तक तो खेलते रहेगा, तो 70 एक बार लो दिखाएगा और 70 एक बार अगर तोड़ता है किसी कारण से तोड़ता है तो आपको हो सकता है यहाँ पे फिर नीचे की ओर थोड़ा और 5-10 पॉइंट आपको नीचे दिखा दे।
मैं ये ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग करके अपने पोजीशन को। तो स्टिल मैं बोलूँगा आप, चूंकि आप 90 के पुट को आपने यहाँ पे, मैं एज्यूम करता हूँ अगर पोजीशन ट्रेडिंग 10 से होल्ड किया हुआ है तो स्टिल 90 के पोजीशन को होल्ड करें। जब तक ये आपका वैल्यू 10 से नीचे नहीं जाता तो आपको निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, निकाल के मतलब प्रॉफिट बुक करके इतना जल्दी कोई फायदा नहीं है। अभी भी इसमें निगेटिव ट्रेंड ही है, और चूंकि जो इसका शेयर होल्डिंग परसेंट है जो उन्होंने बेचा है खुद नंद, जो इन्होंने गुप्ता जी लोगों ने जो भी बेचा है इन्होंने, बलराम गर्ग और गुप्ता जी टीम ने, प्रोमोटर ने, तो कम किया है। जैसा आपको यहाँ पे शो दिखाया गया है कि इन्होंने अपने पोजीशन को कम किया है, तो वहाँ से आपको यहाँ पे पोजीशन को 57.61 से 50, ऑलरेडी ये 60.50 हुआ करता था, वहाँ से 60 सितंबर ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो 60.50 से 3% तक ये बेच चुके हैं, तो 3% शेयर इन्होंने अपने अभी तक बेच चुके हैं। और ऐसा कोई भी गोल्ड में कोई न्यूज़ नहीं आने वाला है, गोल्ड में अभी फर्दर कोई बहुत बड़ा बूम नहीं आने वाला है, तो ऐसा देख के मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है ये 3-4 महीने तक साइडवेज ही चले। आपको 57-55 लोअर दिखाए और ऊपर में जा करके ये वापस वही 83-89। तो अगर कोई शॉर्ट पोजिशन पर बने हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि शॉर्ट पोजीशन पे 83 का आपको 82.3 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट पोजीशन पे बने रह सकते हैं। जब 83 एक बार क्रॉस करता है तो हो सकता है ये वापस आपको 99, यहाँ से आपको 12-14-15 रुपये तक वापस 100 तक जाकर के दिखा सकते हैं एक बार। तो आपको तो ऊपर में मालूम है 109 का रेसिस्टेंस है उसको जो है, और नीचे में आपको 55.67 का सपोर्ट है, तो 56 का सपोर्ट और ऊपर में रेसिस्टेंस 100 का, 83 का, आप ऐसा करके अगर करें तो भी हो जाएगा। आपको सारा चार्ट पे दिखाया हुआ है और इसमें देखेंगे तो सारा लेवल लिखा हुआ है, तो आपको जैसा चाहे वैसे पोजीशन बनाए, लेकिन मैं इसे अभी साइडवेज लगता है मुझे एक वर्क करेगा, इस पर कोई भी चार्ट नहीं है। और अगर किसी को पेपर ट्रेडिंग करनी है पोजीशन बना के, तो 90 के पुट पे वो बैठे रहे। अभी भी अगर लगता है किसी को नहीं पोजीशन बनाए और फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 75 का पुट जो 7.20 रुपये पे मिल रहा है, एक बार उसके लिए पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस महीने का चूंकि डेज क्लोज है, एक चीज आपको बता दो, इस महीने में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50 पे है, 50 के बाद 60 पे है और 60 के बाद 65 यहाँ पे है, 70 पे है, तो 70 पे अनवाइंडिंग हो रही है। आप एक चीज देखिए, कॉल पुट के रेशियो से भी देखेंगे ना आपको क्या समझ में आएगा, 70 पे देखिए 1,14,000 शेयर की अनवाइंडिंग हो रही है और 65 पे एडिशन हो रहा है 9,000 शेयर का। तो 65 पे अब जो सपोर्ट जा रहा है ना नीचे की ओर, तो वो 65 पे जा रहा है, तो आपका 74 पे है और 65 जा रहा है, यहां से 5-7 रुपये 8 रुपये तो आपको मिल ही सकता है। तो ये जो आपको 18.50 रुपये इसका है, इसकी वैल्यू 22-24 रुपये तक जा सकती है, और अगर 75 की जो वैल्यू है जो आपको 7.20 में मिल रहा है, इसकी वैल्यू 10 रुपये तक जा सकती है। 1750 का लॉट है, आपको तो मालूम ही इसका लॉट साइज 1750 है। तो जिसने भी, अगर किसी ने भी उस दिन प्राइस जो बनाई होगी, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर किसी, ये जो बना 14 नवंबर को जो वीडियो बनाया था, अगर किसी ने भी 10 रुपये पे बाय किया होगा, 17,500 का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज उसकी वैल्यू जो 21 रुपये पे निकालो, चाहे आप 19 भी रखो जो कि क्लोजिंग है, तो अभी आपने 90% का रिटर्न। और अगर मैं कहूँ 21 पे किसी ने निकाला है तो 110% का रिटर्न, और 14 नवंबर से 4 दिन में सिर्फ इसी चैनल पे आपको ऐसे हॉट कॉल दिए जा सकते हैं और हॉट ज्ञान आपको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है और भी अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम जो आपको एनालिसिस करके देते हैं वो डिटेल में देते हैं, आपके लिए टाइम निकाल के देते हैं, तो उन लोग तो बहुत सारे रिकमेंडेशन करते रहते हैं, हम आपको कुछ ही पे देते हैं लेकिन अच्छा देते हैं। अभी रिसेंट में जो मेरा रिकमेंडेशन चल रहा है, यस बैंक में चल रहा है, जेट एयरवेज में चल रहा है, निफ्टी पे चल रहा है, निफ्टी बैंक पे चल रहा है, तो आप इन सब पे पोजीशन बना करके देख सकते हैं और वीडियो को जा करके देख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी जेट में कल शॉर्ट के लिए बोला हुआ है, यस बैंक बाई पे है, निफ्टी और निफ्टी बैंक बाई पे है, तो आपको इसके टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। और देखूँ यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको एक बार वापस बताऊँ, ये देखिए निफ्टी 10, अभी क्या निफ्टी का भी 10,682 पे है, जो इसने क्रॉस कर दिया 10,678 का, तो अब एक नए दायरे में घुस चुका है जहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है 10,882, तो 10,800 के लिए तो इसने दायरा खोल दिया है। और अगर यहाँ पे 10,882 के पास क्रूड आपको 61 के आसपास जाते दिखे तो ये 11,086 के लिए भी बाउंड्री खोल देगा। ये 10,882 से जब ऊपर जाएगा, ये तभी जाएगा 10,800 से ऊपर जब क्रूड और रुपीज में आपको, रुपीज स्ट्रांग होगा क्रूड कमजोर होगा, तब आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल सकता है।
आज के अनुसार जहां आज क्रूड है 67 पे है और रुपये 71.95 के आसपास है, यहां पे दिखता है तो यहां 10-800 का दायरा है, यहां पे लगता है कि खुल गया है। तो कोई भी पोजीशन जो बना के बैठे, ऑलरेडी मैंने 10-600 का कॉल दिया हुआ आपको, निफ्टी के 10-600 का कॉल का आप वीडियो जाके देख सकते हैं, 100-110 या 112 पे दिया हुआ था। अगर कोई है तो उसको बनाए रखें, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे, पेपर ट्रेडिंग करें, वीडियो देखते रहें। चलिए, ये पीसी ज्वेलर्स का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का नहीं था, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बैंक निफ्टी पे भी मैंने दिया हुआ है, तो बैंक निफ्टी पे भी मेरा पॉजिटिव कॉल है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी आपका जो देखेंगे 26245 है, लेकिन इसने एक बार क्या किया, 26133 बनाया, मतलब क्या हुआ, तो ये इसने 26255 की जो 45 तो है बट 26255 के रेसिस्टेंस को एक बार जंप किया है, तो अब ये 26700 के दायरे में चला गया है, तो 26700 तो यहाँ से अपने को देखने को मिलता है। तो अब जो बैंक निफ्टी रहेगा वो 26700 के दायरे में, ऑलरेडी मैंने आपको 24700 का 25200 का कॉल खरीदवा के रखा है। आपको बैंक निफ्टी कैसे बाय करना चाहिए वो वीडियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टेप वाइज स्टेप भी मैंने वहाँ पे दिया था कि स्टेप वाइज स्टेप कैसे बाय करना है। ये देखिए, इस वीडियो में आप जाएंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो आपको 2 वीक्स अगो 25200 का कॉल कैसे बाय करना है, कैसे उसके नीचे बाय करना है, ये बैंक निफ्टी का कॉल दिया हुआ है। आज कोई भी इस पोजिशन पर बना होगा तो 300% रिटर्न के साथ ऑलरेडी बैठा होगा, और उसको भी अभी एग्जिट नहीं करना है, उसको कंटिन्यू बने रहना है। तो बैंक निफ्टी पे कॉल था, आप जाके इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा रहेगा। और भी सारे इसमें अभी देखेंगे तो रिसेंटली अभी आपको जेट एयरवेज का दिया हुआ है, मनपसंद का दिया हुआ है, जेट एयरवेज का शॉर्ट का दिया हुआ है, आप जाइए देखते रहिए। इसमें पेज इंडस्ट्रीज का शॉर्ट का दिया हुआ है, एलन लार्सन एंड टर्बो बाय का दिया हुआ है, यस बैंक का बाय का दिया हुआ है, तो आप इस पर जाइए देखिए क्यों बाय दिया हुआ है, क्यों सेल दिया हुआ है, आप देखेंगे जाएंगे आपको फायदा होगा। अब पिछली ये एक्चुअल में ये वीडियो पीसी ज्वेलर्स पे था, तो हम पीसी ज्वेलर्स पे ही क्लोज करते हैं। कि यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाऊँ मैं, मुझे और क्यों इस पर, अगर मैं इसके वेटेड एवरेज वॉल्यूम से देखूँ, मुझे क्यों, अगर चार्ट पे देखो, टेक्निकली तो ये वीक है, फंडामेंटली तो ये वीक है, टेक्निकली मैं मेरे को क्यों ये वीक दिखता, आप यहाँ पे देखें तो वेटेड एवरेज वॉल्यूम जो है इसका 74.73 होना चाहिए, लेकिन इसने क्लोजिंग जो थी उससे भी नीचे क्लोजिंग 74.15 पे क्लोजिंग थी, तो मुझे लगता है ये 70 एक बार आपको दिखाएगा। और जैसे मैं बताया 70 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 70 तोड़ना इतना ईजी नहीं है। एनएससी पे भी आप जाएंगे तो एनएससी पे भी जब आप इसको जाके चेक करेंगे पीसी ज्वेलर्स को, तो आप देखेंगे 70 पे इसका अच्छा खासा 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अब ये क्या किया है, अब देखिए क्या किया इसने, फ्राइडे को अनवाइंडिंग दिखाई है, सपोर्ट लेवल को क्लोज किया है और 65 पे चुकी वो तोड़ा है। तो यहां से जो समझ में आ रहा है, अगर डेरिवेटिव से जो समझ में आ रहा है कि शायद ये 65 के लेवल को एक बार टच करेगा, तो जो डेरिवेटिव से समझ में आ रहा है, नहीं भी टच करेगा तो 70 तो देगा, तो आपको 4-5 रुपये तो मिलेंगे, 1750 का लॉट है तो आप 4 रुपये भी कमाते हैं तो 7-8 हज़ार हो गया, रिटर्न आपका अच्छा खासा है। तो आप पीसी ज्वेलर्स पे अभी भी, हाँ फिर से मैं, ये ट्रेडिंग कॉल है, लेकिन जिसको पोजिशनल बनाना है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए या तो जो 250-300 से फंस के बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पे 100% एवरेज करना चाहिए। ये गोल्डन लेवल है, आप समझिएगा कि फिर से ये आपको देखने को मिलेगा तो बहुत मुश्किल है। आप अगर वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं 55 पे ही खरीदूंगा और 60 पे ही खरीदूंगा, तो ये तो कोई प्रेडिक्शन करना किसी के बस की बात नहीं है। आप समझिए कि 52 वीक मेरा 46 हो गया है और 55 पे जाके मैं बाय करूंगा, तो मेरे अंदाज से ये लॉजिक सही नहीं है। अगर किसी ने ऊपर किया है बाय तो 74 पे बाय करना है उसको, क्योंकि ये 9900 आपको जैसे बोला है 70-140 का रेंज है तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कल किसी को एक या दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए शॉर्ट करके खेलना है, ट्रेडिंग करना है, तो 70 एक बार ये दिखाएगा, क्योंकि 65 पे पोजिशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन का डेरिवेटिव चार्ट बोल रहा है कि यहाँ पे जो है 70 पे अनवाइंडिंग हो रहा है और 65 के पुट पे एडिशन हो रहा है। यहां से देखने को जो समझ में आ रहा है, एक बार ये नीचे की ओर जा सकता है। ये सारे जो भी है वीडियो, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। कोई भी पोजीशन आपको बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले आप जरूर से जरूर बात कर लेंगे, और नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। और अभी तक जिसने भी मेरे पोजीशन को पेपर ट्रेडिंग किया होगा, तो एक महीने में जो मैंने आपको लिख के भेजा है, 3.5 से 5 लाख तक के एक एक लॉट में गेन हो चुका होगा। पेपर ट्रेडिंग में आप जाके एनालिसिस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चाहे वो यस बैंक का पुराना कॉल हो, आईओसी का कॉल हो, जेट एयरवेज का पहले बाय था, उसके बाद अब जेट एयरवेज का सेल है, बैंक निफ्टी का बाय था, निफ्टी का बाय था, पीसी ज्वेलर्स का एक बार शॉर्ट था, एक बार बाय था, तो जहां पे जिस तरफ से दिया हुआ है,
अगर आप उस पर जाएंगे तो टोटल कल मैं देख रहा था तो 4 से 5 लाख का इस चैनल पे अभी तक 1 महीने में 15 दिन के अंदर सिर्फ फायदा हो चुका है। तो ठीक है, आगे आप पेपर ट्रेडिंग खुद करेंगे, आप जब खुद देखेंगे तभी आपको बिलीव होगा, मेरे बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। मैं बोलते रहूँगा कि सब अच्छा, लेकिन आपको देखना चाहिए। मैं आपको बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए ये निगेटिव है या साइडवेज चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। अगर बोलिएगा नहीं मैंने बता दिया कि आपको वहाँ पे पदम जी ने पोजीशन घटाई है तो घटाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पदम जी को पोजीशन बनाते हुए देर नहीं लगेगी, या मार्केट जब अप ट्रेंड में जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म मीन्स आपको 3 साल तो इसमें इकट्ठा वेट करना पड़ेगा, ये कोई बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, आप समझिएगा कोई न्यूज़ कभी नहीं आने वाला है। 2-3 चीज़ समझ लीजिए, इसको अगर उठना है, ये 200 भी चले जाए तो भी शॉर्ट मारिए इसको, ये जितना अप जाए अगर मान लीजिए एक दायरे से ऊपर जाता है तो इसको शॉर्ट मारना है, इसको बाय करके पोजीशन पे नहीं रखनी है। इसको ट्रेडिंग करना है तो 70, 140, 200 जाता है कोई बात नहीं, जितना अप जाता है वेट कीजिए, वहाँ पे शॉर्ट मार दीजिए, तो आपको फिर से ये नीचे आएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका कारण बताता हूँ। इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि ये एक इथिकल जो बदमाशी की है वो तो की ही है, जो कि दे करके इसने इनको क्या करना चाहिए, अभी भी ये पोजीशन अपनी घटा रहे हैं, फाइनेंशियल इनके एडवर्स में जा रही है, तो कहाँ भी से पॉजिटिवनेस है। ये बोनस अगर इनके पास इतना पैसा है या ये सॉलिड आदमी है तो बोनस इशू नहीं कर सकते, 1:2 किसी का बोनस इशू कर दे, बायबैक कर दे, कुछ तो करें, तो कुछ नहीं करना है इनको, तो फिर फाइनेंशियल भी पॉजिटिव नहीं है, सेल्स भी आपका गिर रहा है, तो पॉजिटिव कहाँ से हो जाएगा। तो पॉजिटिव तो शॉर्ट टर्म में नहीं है, बट ये चूंकि ये टाइटन के बाद सेकेंड इंडस्ट्री आ रही है मानी जाती है, इसके लिए लोग इसमें सेकंड पोजीशन बना करके 2-3 साल 4 साल के लिए वेट करके अगर चाहना है। अब ऑलरेडी देखिए, अगर आप 500 पे इसको बाय कर सकते तो 74 पे क्यों नहीं बाय करेंगे, ये बताइए। ये कोई गीतांजलि नहीं बनने वाला है, आप समझ रहे हैं, गीतांजलि जैसे बंद हो गई तो ये कोई गीतांजलि भी नहीं बनने वाला है। तो मेरा जो आउटलुक है लॉन्ग टर्म से ये अच्छा है, शॉर्ट टर्म से ये कोई अच्छा नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाए ये कल 150 पे चला जाए तो मैं इसका शॉर्ट कर दूंगा, बाय नहीं करूंगा मैं। हाँ, चूंकि 74 पे है तो इसकी रेंज नैरो है, नीचे कितना जाएगा, नीचे ये 60 तो तोड़ेगा नहीं, 50-60 तो तोड़ना नहीं है इसको, ऊपर इसको 100 नहीं क्रॉस करना है, तो मेरे को इस रेंज में अपने को ट्रेड करना है। अगर ये किसी स्पाइक से किसी न्यूज से 150 जाता है, जाने दीजिए, आपको 2 दिन मिलेगा बाय की पोजीशन, मैं आपको बता दूंगा, जब भी बाय आएगा ना सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाय करना है। मेरे चैनल पे आप बने रहिए, देखते रहिए, बाय के कोई भी सिग्नल बाय का आएगा तो सबसे पहले मैं बाय सिग्नल दूंगा। अभी साइडवेज चलेगा, साइडवेज के लिए अगर आप किसी को ट्रेडिंग करनी है तो 5-7 रुपये 2-4 रुपये के लिए करते रहिए, 90 के पुट पे जो प्रॉफिट हो रहा है, चाहें तो और थोड़ा वेट करके आप बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी तो हो सकता है उसकी वैल्यू अब डेज वाइज घट जाएगी, अब जितना गिरेगा उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी, तो आगे जाकर के 1-2 दिन में चाहें आपको लगता है आपकी प्रॉफिट ऑलरेडी 110% आ चुकी है, मैं तो बोलता हूँ 25% ही सफिशियंट होता है, लेकिन 110% आ चुका है तो अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ये सारे एजुकेशनल पर्पज से हैं, और हर बार मैं बताया सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, यहाँ पे जो भी चीज़ दिए जाएंगे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, अगर किसी को डायरेक्ट बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।